वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के हेलो दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वी एस एच एफ वन जीरो वन के एम सी क्यू क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन टू क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन फोस्ट मेजर एनालिसिस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सब सहारन अफ्रीका इन नाइनटीन एटी नाइन नाइनटीन एटी नाइन में एक मेजर एनालिसिस किया गया एक्सपीरियंस के बेस पे सर्व सहारा अफ्रीका के अंदर और ए, इस एनालिसिस के बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया जिसका टाइटल रखा गया सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ आपको बताना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है और एनालिसिस है ये किसने किया आपके पास ऑप्शन है ए आई बी वर्ल्ड बैंक सी डब्ल्यू और डी है यू एन डी पी करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ल्ड बैंक थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू नंबर का क्वेश्चन है गवर्नेंस डिपेंड्स अपॉन द थ्री पिलर्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन के तीन पिलर्स पे गवर्नेंस निर्भर होता है आपको बताना है कि वो पिलर कौन कौन से हैं आपके पास ऑप्शन है ए एग्जीक्यूटिव बी लेजिस्लेचर सी जुडिशरी वो डी है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ये आपको बताना है कि किसके अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर द गोल ऑफ गवर्नेंस इनिशिएटिव शुड बी टू डिवलप कैपेसिटीज गिव प्रायोरिटीज टू पुअर एंड वुमेन एंड सस्टेन इन्वॉमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट किसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस का गोल ये होना चाहिए कि वो कैपेसिटी को डेवलप करे अपने पुअर और वुमेन को प्रायोरिटी दे देवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए जिसमें जिया जा सके और अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ये सारी चीज़ें होती हैं ऑप्शन डी यू एन डी पी के अकॉर्डिंग और यू एन डी पी का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1994 के अकॉर्डिंग गवर्नेंस की ये सारे गोल्स होने चाहिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर ज्ञान दूत प्रोग्राम लॉन्च इन ज्ञान दूत प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया ये आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है ए भावनगर बी भरतपुर सी धार और डी है कानपुर करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा धार धार को धारनगर के नाम से भी जाना जाता है और धार जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की वहाँ पर ज्ञान दूत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2000 ईयर के अंदर और इस इसे 2000 ईयर में इसे स्टॉक हेलम अवार्ड प्रोवाइड किया गया अवार्ड से इसको नवाजा गया टू ईयर में ज्ञान दूत प्रोग्राम को आगे अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम के अंदर ये था कि थर्टी वन विलेजेस में कंप्यूटर जो है ग्राम पंचायत है उनके अंदर सेटअप किया गया था और ये वर्क करते थे यूजर चार्ज बेस्ड सर्विस पे और इसी प्रोग्राम को यहाँ परलम अवार्ड इन टू थाउजेंड दिया गया आगे बढ़ते हैं थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर भागीदारी प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय भागीदारी प्रोजेक्ट किसके द्वारा इनिशिएट किया गया ये आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है ए सेंट्रल गवर्नमेंट बी दिल्ली गवर्नमेंट सी है स्टेट गवर्नमेंट और डी है यूपी गवर्नमेंट और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने टू थाउजेंड के अंदर फॉर प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस भागीदारी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टू इंडिया रैंक्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 में जो आई थी उसके अंदर इंडिया की क्या रैंक थी ये आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन भी हो जाएगा 115 इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर 162 कंट्रीज थी जिसमें भारत 115 नंबर के पायदान पर था अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब यहाँ पर थ्री नंबर के क्वेश्चन पे ये है इंडिया अकाउंट्स फॉर डेस परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट इंडिया में है तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा सिक्सटीन पॉइंट सेवन परसेंट जो है वो इंडिया में पॉपुलेशन है एज़ कंपेयर टू वर्ल्ड पॉपुलेशन वहीं पर अगर आप सरफेस की बात करो तो 2.4 परसेंट का जो सरफेस है वो हमारे इंडिया का है पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर आप बात करते हो इंडिया में तो इसका रेट है 1.93 परसेंट अगर आप वहीं पर चाइना की अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट की बात करते हो तो वो है 1.4 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स क्या है ये आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है ए इनकम टैक्स बी सेंट्रल एक्साइज सी कस्टम ड्यूटीज और डी है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ये सभी रेवेन्यू के सोर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन नंबर का क्वेश्चन मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पर और उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्स टैक्स जो सेल्स टैक्स है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को आता है इसके बाद अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चरल टैक्स लैंड टैक्स और एल्कोहलिक बेवरेज टैक्स ये सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है थ्री हंड्रेड थर्टी नंबर का क्वेश्चन है विच टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन नाइनटीन नाइन्टीज उन्नीस सौ नब्बे के दशक में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया यह आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है ए इनकम टैक्स बी सर्विस टैक्स सी लैंड टैक्स और डी है ऑल ऑफ डीज करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सर्विस टैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थ्री हंड्रेड थर्टी वन नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान सेकेंड फाइव ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव थे ये आपको बताना है एक ऑब्जेक्टिव तो आप सभी को पता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज राइज द लेवल ऑफ लिविंग इन कंट्री कंट्री में जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाना एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इकोनॉमिक पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी गोल था ऑब्जेक्टिव था सेकेंड फाइव ईयर प्लान का थ्री हंड्रेड थर्टी टू नंबर का क्वेश्चन इन विच फाइव ईयर प्लान गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज सेट सेल्फ रिलायंस का जो गोल है वो किस फाइव ईयर प्लान में सेट किया गया आपके पास ऑप्शन है ए फर्स्ट बी सेकेंड सी थर्ड और डी है नॉन करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है वो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्रिपल थ्री है वीआईपी नंबर का क्वेश्चन इंडिया ऑब्जर्व अ प्लान हॉलीडे इंडिया में एक प्लान हॉलीडे आया था आपको बताना है कि प्लान हॉलीडे कब आया था आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1966 टू तो 1969 के बीच में इंडिया ने तीन प्लान हॉलीडेज देखे तीन एनुअल प्लान देखे जिसे प्लान हॉलीडे कलेक्टिवली कहा जाता है और ये थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद ही लॉन्च कर दिया गया था 334 नंबर का क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे आई कहा जाता है और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एन आर ई पी ये दोनों ही अडॉप्ट किए गए थे पॉवर्टी को टैकल करने के लिए अब किस फाइव ईयर प्लान में ये चीज़ की गई थी ये आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है ए फिफ्थ बी सिक्स एफ वाई पी सी सिक्स एफ वाई पी और यहाँ पर टर्म्स अलग अलग हैं आप देखोगे कि जो टेन्योर है जो टाइमिंग है वो अलग अलग है जो बी ऑप्शन है उसके पास जो सिक्स फाइव ईयर प्लान है उसके अंदर नाइनटीन सेवेंटी एट टू एटी थ्री है वहीं पर जो सी ऑप्शन में है जो ऑप्शन है सिक्स एफ वाई पी उसमें जो टर्म है वो नाइनटीन एट्टी टू एट्टी फाइव है तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा अब जो सिक्स फाइव ईयर प्लान था वो दो बार एडॉप्ट दो बार लिया गया था इस चीज को अगर आप बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारे उस वीडियो में जाइए जहाँ पर हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन दोनों के फिफ्थ और सिक्स दोनों ही फाइव ईयर प्लान के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर नंबर टू क्वेश्चन पर हमने कवर किया है उस वीडियो में जाकर के आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं तो ये तो था ये जो थ्री हंड्रेड थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फाइव इंडस्ट्री वेयर मशीन्स प्रोड्यूस अदर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर मशीन ही दूसरी मशीन्स और इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो होता है हैवी इंडस्ट्री, जो ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी वेर इंपोर्ट्स आर सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूटेड बाय डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वर्जन ऑफ द सेम थिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें जो चीज इंपोर्ट की जा रही है उसको सब्सिट्यूट कर दिया जाए अपने ही देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोड्यूस किए हुए किसी सेम थिंग के वर्जन से ये क्या कहलाती है ये आपको बताना है तो इसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहा जाता है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी को इम्पोर्ट सब्सिटीट्यूशन कहते हैं थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन है और एक और चीज़ कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से जो विदेशी मुद्रा है उसे भी आप बचा सकते हो नेहरू यूज्ड टू कॉल डैश द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू किसे मॉडर्न इंडिया का मंदिर कहा करते थे तो वो डैम्स को मॉडर्न इंडिया का मंदिर कहा करते थे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट है इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पास इन इंडस्ट्री के रेगुलेशन और उसके डेवलपमेंट का एक्ट कब पास किया गया ये आपको बताना है तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नाइनटीन फिफ्टी वन थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन है अब आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कब लेकर के आई ये आपको बताना है तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में ये एक्ट ला लेकर के आया गया था वहीं पर अब बात करते हैं नाइनटीन की तो इसके अंदर फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया ताकि जो है इनपुट्स और फाइनल गुड्स का उसे रेगुलेट किया जा सके आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ लॉस मेकिंग कंसर्न टू वर्कर्स इज अनदर फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन ये एक प्राइवेटाइजेशन का फॉर्म है कि कोई भी अगर कंसर्न है कोई भी अगर फार्म है और उससे लॉस हो रहा है तो उसके ट्रांस उसका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया जाए उसी के वर्कर्स में ये किस टाइप का प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये होता है वर्कर्स कॉपरेटिव प्राइवेटाइजेशन पॉइंट नंबर सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अच्छा तो बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा जॉइंट वेंचर क्या होता है जॉइंट वेंचर वो होता है जिसके अंदर सरकार और जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है दोनों के ही हिस्सेदारी होती है वो जॉइंट वेंचर कहलाता है टोटल डी नेशनलाइजेशन क्या होता है टोटल डी नेशनलाइजेशन के अंदर ये होता है कि कोई भी जो सरकारी कंपनी है जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की यूनिट है पीएसयू है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाए टोटली totally उसका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये होता है टोटल डी नेशनलाइजेशन एक होता है टोकन प्राइवेटाइजेशन टोकन प्राइवेटाइजेशन में क्या किया जाता है कि टेन टू फिफ्टीन परसेंट का जो शेयर है वो गवर्नमेंट प्राइवेट हैंड्स को बेच देती है इससे क्या होता है कि जो डेफिसिट है बजट में उसको कम करने के लिए ये चीज़ किया जाता है तो इससे रेवेन्यू मिल जाता है और इससे जो डेफिसिट है उसे मेंटेन किया जा सकता है तो यह आपने यहाँ पर टोकन प्राइवेटाइजेशन के बारे में जान लिया जॉइंट वेंचर के बारे में जाना टोटल डी नेशनलाइजेशन के बारे में भी जान लिया है और वर्कर्स कॉपरेटिव के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे तब तक के लिए स्टेडियो जय हिंद जय भारत